just the grassy. Hello friends, welcome once again to Nifty and Bank Nifty analysis from tradingfab.in. आज भी अगर हम हाई और लो की रेंज देखें तो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स की निफ्टी में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि जो 50 डीएमए का हम बात कर रहे थे जहां पर निफ्टी और बैंक निफ्टी सपोर्ट टेस्ट करता है, तो आज भी अच्छा खासा वहां पर एक सपोर्ट टेस्ट करते हुए दोनों इंडेक्सेस में देखने को मिला। तो कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं। यह निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। आज निफ्टी का कुछ सिनारियो इस तरह से दिखाई दे रहा था। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर ये आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि हमारा प्लान के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 14,027 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 13,923। तो आप देख पा रहे हैं निफ्टी इंडेक्स काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ, जो सेकेंड टारगेट था उसके भी नीचे ये ओपन हुआ। और जैसे यहाँ से टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ जाने लगा तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये जो सेकेंड टारगेट था उसी के पास इसने दो बार यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया है। तो लेवल एक्यूरेट साबित हुए, लेकिन जो गैप डाउन ओपन हुआ उसके कारण यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। जो हमारा प्री मार्केट प्लान यहाँ पर हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं बन रही थी। तो कल क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले बैंक निफ्टी के लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। डेली चार्ट को सबसे पहले देखते हैं। यह बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। अगर निफ्टी का डेली चार्ट देखें यहाँ पर तो एक डोजी जैसा कैंडलस्टिक बना है निफ्टी में, लेकिन बैंक निफ्टी में देखें तो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक यहाँ पर बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसने 50 ईएमए को लगभग यहाँ पर रिस्पेक्ट किया है, इसके ऊपर आके ये क्लोज हुआ है। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल यहाँ पर बना हुआ है, तो 50 ईएमए को एज ए सपोर्ट ये टेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट लाइन की हम बात करें तो ईस्ट लेवल के पास यानी 29,439 के आसपास बैंक निफ्टी ने एक स्विंग लो बनाया था। तो अगर यहाँ से और भी नीचे आता है ये तो ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर सपोर्ट हो सकता है 29,439। लास्ट स्विंग लो को अगर ब्रेक कर देगा बैंक निफ्टी तो यहाँ से और भी फॉल हमें आते हुए दिखाई दे सकता है। अदरवाइज ऊपर जाते वक्त यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो फर्स्ट ये हर्डल्स है 20 ईएमए और 50 ईएमए, इन दोनों के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें आते हुए नजर आएगी। अदरवाइज ये मूविंग एवरेजेस के रेंज में हमें बैंक निफ्टी इंडेक्स फंसता हुआ नजर आएगा। तो ये डेली चार्ट का सिनारियो है बैंक निफ्टी के बारे में। 60 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। ये बैंक निफ्टी का 60 मिनट का चार्ट है। अगर ब्रेकआउट लेवल की बात करें तो फर्स्ट हर्डल है 20 ईएमए का, ये जो पिंक लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट हर्डल है। यहाँ पर इसको पार करना होगा बैंक निफ्टी को, तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें बैंक निफ्टी में कंटिन्यू आते हुए नजर आएगी। तो ब्रेकआउट लेवल होगा हमारा 30,530 बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल होगा, और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 30,627, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 30,746, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स साउथ की तरफ आता है तो ये जो दो दिन का क्लोजिंग वैल्यू है इसके जस्ट नीचे अगर ये डोजी जैसा और इनसाइड बार ट्रेडिंग यहाँ पर क्रिएट हुआ था एक दिन पहले, तो इसका ये जो लोअर बैंड का रेंज बन रहा है 30,217, इसके नीचे अगर चला जाता है और सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 30,098। आप देख सकते हैं इस लेवल को आज काफ़ी ये पेनेट्रेट कर रहा था, इसके इस लेवल के ऊपर आर्ली चार्ट में सस्टेन नहीं कर पा रहा था और लास्ट जो कैंडल बना है तभी इस लेवल को ब्रेक कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 29,994, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये बैंक निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स कल के लिए। चलते निफ्टी के चार्ट के ऊपर, डेली चार्ट से शुरू करेंगे। जैसे कि कल हम बात कर रहे थे जैसे बैंक निफ्टी में 50 ईएमए, ये जो ब्लू लाइन दिखाई दे रहा है ये 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर निफ्टी ने आज एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया और डोजी जैसा कैंडलस्टिक बनाया, यानी बुल्स भी नहीं जीत पा रहे ना बेयर्स जीत पा रहे। तो यहाँ पर डोजी जब जब कैंडल बनता है तब तक एक चांस होता है कि ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिले, लेकिन कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर एक ऐसे इस तरह से ग्रीन कैंडल
अगर बनता है यहाँ पर और हायर आए हायर लोस क्रिएट होते हैं तो हमें आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में अपसाइड शॉर्ट टर्म अपसाइड मूव यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अदरवाइज ये जो फॉल आया है इसका प्रेशर इतना है, चार जबरदस्त स्ट्रांग बेरिश कैंडल स्टिक बने तो इसके बाद एक रिकवरी मोड आ सकता है और रिकवरी के बाद अगर यहाँ पर इस तरह से हायर हाइज लाइन चार्ट में देखें तो हायर हाइज अगर क्रिएट होते हैं इस तरह से तो ही यहाँ से अपसाइड मूव आने के लिए कोई भी गुंजाइश हमें नज़र आ सकती है। अदरवाइज ये अगर यहाँ पर रिकवरी आने के बाद फिर से ये स्विंग लो को ब्रेक कर देगा तो यहाँ से निफ्टी में और हमें फॉल दिखाई दे सकता है। एक बड़ा इवेंट है मंडे को, बजट का दिन है तो इसके ऊपर निर्भर करता है। अभी ये मूविंग एवरेजेस के बीच में फंसा हुआ है और कल जैसे कि हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स को यहाँ पर देखा था, फर्स्ट यहाँ पर परसों के दिन इसने 50% के लेवल को एग्जैक्ट सपोर्ट टेस्ट किया और आज 61.8% को इसने रिस्पेक्ट दिया। अगर 13,750 और ब्लू लाइन ये 50 EMA को तोड़ देता है निफ्टी इंडेक्स तो और गिरावट यहाँ पर हमें ये जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है यहाँ तक निफ्टी इंडेक्स हमें आते हुए दिखाई दे सकता है। जहाँ पर इसने स्विंग लो बनाया पास में उसी रेंज के आसपास यहाँ पर सपोर्ट टेस्ट करता हुआ नेक्स्ट सपोर्ट टेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो है निफ्टी इंडेक्स का। चलते 60 मिनट के चार्ट में इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है ये आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, राइजिंग बॉटम्स इसे कहा जाता है। डब्ल्यू पैटर्न हमने पास्ट में भी देखा था, ये देखिए यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न और जैसे इसका नेक लाइन ये ब्रेक कर देता है इसके ऊपर सस्टेन करता है तो और भी ज़बरदस्त मूव देखने को मिलती है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है और जैसे ही इसका नेक लाइन के ऊपर ये सस्टेन करेगा और भी यहाँ से अपसाइड मूव हमें आती हुई नज़र आ सकती है, लेकिन ये स्ट्रांग डाउन ट्रेंड के बाद आ रहा है तो हो सकता है ये रिकवरी हमें देखने को मिले। जैसे जैसे ये आर्ली चार्ट में ये जो मूविंग एवरेज के हर्डल्स है इनको पार करेगा, इनके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हमें यहाँ पर क्लियर अपसाइड मूव फिर से आती हुई नज़र आ सकती है। तो फिलहाल कल के लिए हमारा ब्रेकआउट लेवल हो सकता है अराउंड ये जो लेवल है यानी आज का हाईएस्ट क्लोजिंग अराउंड 13,854, आज का हाईएस्ट क्लोज यहाँ पर हुआ है 13,854 के पास। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा अराउंड 13,869। ये हमारा क्विकली एक छोटा सा फर्स्ट टारगेट हो सकता है यहाँ पर 13,874, ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो सकता है और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 13,897, ये हमारा सेकेंड टारगेट हो सकता है और ये लोएस्ट क्लोज आज का यानी अराउंड 13,760 ये हमारा हो सकता है ब्रेकडाउन लेवल और इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा एक छोटा सा क्विकली 13,740, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा अराउंड 13,723, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा 13,723। तो ये है आज के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।